हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो भाई हमको बताएंगे कि वहाँ चिल्का में क्या चल रहा है, कैसे मेडिकल हो रहा है, कैसे एंट्री हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये बताओ आप कि पहले स्टार्टिंग में क्या चेक हो रहा है, डॉक्यूमेंट कौन से चेक हो रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स मतलब सारे 10th और 12th की मार्कशीट है, जैसे कॉल ऑफ लेटर है, उसके बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर साइन चाहिए, सुपरिंटेंडेंट का साइन चाहिए, तो एसपी सर के साइन चाहिए, सर के साइन चाहिए, उसके बिना मतलब वो पुलिस वेरिफिकेशन मतलब उनको बाहर उनको कुछ टाइम दे रहे हैं दे रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट है मतलब अगर आपका जो इनकम्प्लीट है तो उसको टाइम दे रहे हैं। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको वहाँ पे एक डिवीजन मतलब एक हॉस्टल लेके जाया जाएगा स्टे के लिए। अच्छा, हॉस्टल में जाने से पहले आपका जो मोबाइल है, जो चार्जर है, वो मतलब उसको ले लिया जाएगा दूसरी तरफ। और आपका बैग चेक हो रहा है? हाँ, बैग चेक हो रहा है, बैग तो जाने से पहले ही चेक हो रहा है। हाँ, बैग चेक हो रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर खाने की हो या फिर मतलब कोई भी नुकीली चीज, जैसे हम कहते हैं चाकू या कैंची हो, मतलब स्टेपलर हो, वो नहीं ले जा सकते आप। हाँ, वो चीज नहीं, चाकू ब्लेड व्लेड ऐसा कुछ चीज लिख नहीं जा सकती। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या हो रहा है? फिर कोई डिवीजन डिवीजन में लेके जा रहे हैं शाम को, जो जब सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाए, जिस दिन आपका रिपोर्टिंग है उस दिन के जब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाए तो आपको ले जाएगा एक डिवीजन, मतलब एक हॉस्टल में स्टे करने के लिए ले जाएगा वो आपको, आपको कोर्ट पे स्टे मिलेगा एक मतलब एक डॉर्मेटरी में होंगे लगभग 30 बंदे को होगा। सुबह आपको उठाया जाएगा 3 बजे। हाँ, सुबह 3 बजे मेडिकल के लिए, सुबह मेडिकल के लिए 3 बजे, अगले दिन सुबह मेडिकल के लिए 3 बजे उठाया जाएगा। 3 बजे उठने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स का, उसमें आपको तैयार होना है मेडिकल के लिए। उसके बाद 3:45 AM को आपको ब्रेकफास्ट के लिए ले जाया जाएगा, ब्रेकफास्ट होगा अराउंड 1 आवर तक, मतलब लगभग 4:30 बजे तक आपका जो ब्रेकफास्ट वो वगैरह हो जाएगा। फिर आपको 5 बजे, 5 से 5:30 बजे तक ले इधर लाया जाएगा मेडिकल के लिए। अच्छा, मेडिकल आपकी मेडिकल के लिए बनाई जाएगी एक टीम बनाई जाएगी, मतलब एक टीम होती है जिसमें डॉक्टर होता है वो, और नर्सिंग असिस्टेंट होती है, मेडिकल असिस्टेंट होती है, वो आपको मेडिकल मतलब चेक करते हैं सब। आपका जो शुरुआत से जो टेबल मिला है आपको मेडिकल का, आपका सारा मेडिकल वही होगा। मतलब एक 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 टेबल पर कितने बंदे जा रहे हैं? लगभग 30 बंदे। हाँ, एक टेबल पर 30 बंदे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, टोटल कितनी टेबल हैं? 10-11। अच्छा, 11 टेबल है। अच्छा, मतलब इसके हिसाब से रहता है ना, एक दिन में कितने बंदों की रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से। और हाँ, तुम्हारे एक दिन की कितनी रिपोर्टिंग? 300 बंदों की रिपोर्टिंग थी। और लड़कियों का पता नहीं आपको? लड़कियों का पता नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर मेडिकल में फिर आपको कहते हैं कपड़े वपड़े उतारने के लिए बोला होगा? वो शुरुआत से नहीं उतरने होते, जैसा मतलब जो चेकअप है उसके हिसाब से कपड़े उतरने, जैसे आपको चेस्ट चेक करनी है तो कपड़े उतरना पड़ेगा, आपके प्राइवेट पार्ट चेक करने है तो आपको कपड़े उतरना पड़ेगा। अच्छा, बाकी जो मतलब है ना आई का कलर विजन का, उसे का आप कपड़े पहने रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हर समय ऐसा नंगा नहीं छोड़ता। अच्छा, आप कौन सी स्टेट से हो? महाराष्ट्र। ये भैया महाराष्ट्र से हैं, ये अपना बता रहे हैं कि मेडिकल कैसे हुआ इनका और आपको किस चीज में पॉइंट मिला है? मुझे पाम स्वेटिंग में मिला है। अच्छा, पाम स्वेटिंग में मिला है, ठीक है। और आपको डेट चूज करने मिलेगी अगले 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, मेरे को डेट चूज करने के लिए बोला था, मैंने डेट चूज की 15 दिसंबर। अच्छा, विशाखापट्टनम कल्याणी में। अच्छा, आपने कौन सा चूज किया, कौन सा रेफर मारा, कल्याणी या कल्याणी? कल्याणी या निर्माणी? कल्याणी। अच्छा, कल्याण। वो आपको चूज करने के लिए ने मुझे सीधा बोल दिया गया कि आप कल्याणी जाओ। अच्छा, आपको सीधा बोल दिया कल्याण? बोल दिया, ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ओके। तो किस किस चीज में मेडिकल निकाल रहे थे, मतलब किस किस पॉइंट मिल रहा था मेडिकल? हर एक का अलग रहता है, किसी को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में मिला, अच्छा मूवमेंट ऑफ आई होता है, किसी को प्राइवेट पार्ट में मिला कुछ, अच्छा सर्जरी के कुछ ज्यादा ही स्कार्स थे या कुछ थे उसमें मिला, आई विजन में मिला, ऐसे किसी को एयर वैक्सीन मिला, किसी को ऐसे मतलब। अच्छा, ऐसे मेडिकल मिल रहे थे, मतलब पॉइंट मिल रहे थे। और फिर आपको मासिक कितने बजे छोड़ा मेडिकल आउट होने के लिए? जो मेडिकल जो मतलब खत्म हुआ वो हुआ शाम 5 बजे। शाम 5 बजे फिट बंदों को अलग बिठा दिया गया, अनफिट बंदों को अलग बिठा दिया गया।
फिट बंदों की अलग प्रोसेस चल रही थी, अनफिट बंदों की मतलब अलग प्रोसेस। अनफिट बंदों को क्या किया गया, उनसे फॉर्म भरवा दिया गया कुछ, उसके बाद उनको जो टिकट है वो टिकटें जमा की गई, उसकी टिकट की कॉपी वगैरह, फिर उनको सारी प्रोसेस, उनका शाम का डिनर दिया गया। मतलब कि तुम जो गेट चिल्का से बाहर निकाला, सुनो शाम को डिनर देने के बाद फिर उन्हें ले जाया गया पे ऑफिस में, वहाँ पे उन्हें अपना जो दो दिन का खाना खाया उसके 370 रुपए जमा करने होंगे। हाँ। और उसके 370 रुपए जमा करने अपने टिकट के पैसे वापस लेने हमको। हाँ। और रात को लगभग 10 बजे से हम चिल्का से आउट हो गए। अच्छा, रात के 10 बजे चिल्का से आउट हो गए, फिर आप टिकट का रिफंड मिला आपको? यस यस, टिकट का रिफंड मिला, लेकिन टिकट ओरिजिनल चाहिए और उसमें प्राइस अमाउंट लिखना होना चाहिए, अमाउंट लिखना होना चाहिए। हाँ। चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ये इंटरनेट वाली टिकट चलेगी ना? इंटरनेट वाली, इंटरनेट वाली, हाँ, जो ऑनलाइन टिकट जो निकालते हैं वो चलेगी? प्रिंट, हाँ प्रिंट, उसके बारे में नहीं बता, मतलब आप काउंटर से लिखे हैं? हाँ वो चलेगी, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, और आप, मैं करूँगा कि आप फिट हो जाओगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। ओके बाय।